हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइट। और गाइस आज हम लोग एक ब्रांड न्यू गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है कार मैकेनिक सिमुलेटर 21। अभी मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने कार मैकेनिक सिमुलेटर 18 को बहुत खेला, इतना खेला कि इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट गेम। और अभी यहां पे इसी सीरीज़ की एक न्यू गेम आ चुकी है विच इज़ कार मैकेनिक सिमुलेटर 21। तो आज हम लोग ये गेम खेलने जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू शेयर दिस गेम विद यू, क्योंकि ये है ना कुछ इस टाइप की गेम्स जो है ना कुछ हिडन छुपे हुए जेम्स की तरह होती हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत होता है लेकिन मे भी उनको उतने अच्छे से जो है वो कवरेज नहीं मिलते। जैसे हाउस फ्लिपर हो गई, दैट्स अ माइंड ब्लोइंग गेम। कुकिंग सिमुलेटर हो गई, दैट्स अनदर माइंड ब्लोइंग गेम। इसी तरह ये कार मैकेनिक सिमुलेटर है। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है डेवलपर्स ने पिछली गेम के मुकाबले में। अभी आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा बाहर का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। आप एक न्यू लोकेशन जो है वो आपको दी गई है, बेसिकली प्रोबेबली इट्स आई डोंट नो, लुक्स लाइक निवाडा डेजर्ट और समथिंग लाइक दैट, बट हो सकता है मैक्सिको भी हो, ठीक है, लेकिन हु नोज। एनीवेज तो मैं यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट एक फर्स्ट मैं देखना चाहता था कि भी कंट्रोल्स वगैरह चेंज हुए हैं या नहीं। तो एक ऑर्डर जो है वो कल मैंने लिया था, थोड़ी सी गेम पर्सनली खेली है, तो अभी जो है वो हम वापस आ चुके हैं। और मेरे को ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ऑर्डर मिला तो मैंने सोचा कि यार ये तो पक्का गेम प्ले में बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास निसान GTR आ चुकी है भाई, वाह। मतलब GTR का हमें ऑर्डर मिला है, इसको हमने फिक्स करना है, ठीक है। मतलब माइंड ब्लोइंग कार यार, शुरू में ही मैं मतलब सोच रहा था कि यार इतनी जल्दी इतना हैवी वाला ऑर्डर हमें कैसे मिल सकता है। तो ये जो GTR है हमारे पास यहाँ पे खड़ी हुई निसान की, आप मोस्ट लाइकली हर वो बंदा जिसको गाड़ियों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है उसको पता ही होगा इस कार का। तो इसका अगर हम यहाँ पे स्टेटस चेक करें तो इसके ओनर ने जो बताया है वो है कि जी हमें इसकी एक डिस्क ब्रेक चेंज करनी है और दो तीन जो है वो डिस्क पैड्स चेंज करने हैं। ओके, तो ये हमारे पास टोटल लिस्ट है जो कि हमें इसके अंदर काम करना है। तो मे भी हो सकता है गेम थोड़ी बहुत मूव हो तो इस वजह से जो है वो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ से बाहर खड़ी थी ये गाड़ी यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे मूव किया अपने गैराज में। और ये बेसिकली लिफ्ट होती है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी गाड़ियों को जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादातर टायर्स के ऊपर काम करना है तो हम इसको जो है वो ऊपर उठा लेंगे ताकि हम इस तक जो है वो ईजिली एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो लिफ्ट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में है तो इसलिए कुछ इतनी अच्छी नहीं है। मे बी अगर हम थोड़ा सा मज़ीद गेम में एडवांसमेंट कर लें तो हो सकता है कि हमें जो है वो इससे बेहतर लिफ्ट देखने को मिलने को, मतलब इससे बेहतर कोई लिफ्ट हमें मिल जाए फिलहाल के लिए। तो ये अच्छा, यहाँ पे भी ये वाला स्क्रू जो है वो ये देख सकते हैं इसको जंग लगा हुआ है। तो जिस स्क्रू को जंग लगा हो ना, ये पहली बार इसमें ऐड किया गया है, पिछली दफ़ा कोई इस तरह का इशू नहीं था। लेकिन जिस स्क्रू का भी जंग लगा हो उसको आपको जो है वो WD-40 यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने फॉर द सेक ऑफ ब्रांडिंग इन्होंने इसका नेम जो है वो चेंज किया, अभी मेरे को खुद नहीं पता। तो ये ब्रेक डिस्क है, ठीक है, मुझे नहीं पता अभी कौन सी वाली चेक करनी है, मतलब चेंज करनी है। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर अगेन दो स्क्रूज जो हैं वो थोड़े से जैम है, तो इनके ऊपर हम जो है ये यूज़ कर लेंगे स्प्रे। तो इसके बाद जो है ये थोड़ा सा इजीली बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको इजीली पुल करने के लिए यही स्प्रे यूज़ करते हैं ताकि जो रस्टेड होते हैं हमारे नट बोल्ट उनको हम लोग जो है वो इजीली यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। एनीवेज तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्रेक पैड्स तो हमें सारे ही चेंज करने हैं, लेकिन ब्रेक डिस्क कौन सी चेंज करनी है ये मेरे को नहीं पता। अभी किस नल्ले के पास ये GTR थी, देखो मतलब कैसे इसको सारा जंग खा रहा है। और उस बंदे के काम देखो, इतनी महंगी गाड़ी है और इसको शायद उसने जंग खाने के लिए बाइक छोड़ रखा है। एनीवेज इट्स अ गेम, तो इसमें जो है वो फिर इस तरह की उलूल फजूल सी चीज़ें हमें देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे इसके भी हमने ब्रेक कैलिपर्स जो है वो निकाल लेने, ठीक है। और भाई ये देखो इस वाले ब्रेक पैड की हालत देखो कैसी खस्ता हुई पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी भी डिस्क ब्रेक बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ब्रेक डिस्क। तो ऐसे ही करके हम लोग जो है वो इसको भी उतार लेंगे, ठीक है, ये सारे हम नट बोल्ट जो है वो उठा लेंगे। तो ये वाली प्रॉबेबली हमने जो है वो डिस्क चेंज करनी है यहाँ पे,
अरे भाई ये देखो इसकी हालत चेक करो। ओ हो भाई फुल सारी जो है वो ख़राब हुई पड़ी है जंग के साथ। इसकी तो हालत ही ख़राब हुई पड़ी है। तो इसको अभी हमने अलग करना है, तो इसको निकालने के लिए बड़ा पंगा करना पड़ेगा। नहीं ऐसे ही निकल आएगी। चलो ठीक निकल आई है भाई। मुझे लगा था शायद हमें जो है वो पंगा लेना पड़ेगा। अच्छा एनीवेज, तो ये जो पार्ट्स हमने अभी कर लिए हैं ठीक है, तो इसको हमें दो तरीके हैं चेक करने के लिए। ब्रेक पैड्स हमें चाहिए 1, 2, 3, और एक हमें चाहिए डिस्क। तो हम ब्रेक पैड 4 ही ऑर्डर कर देंगे ठीक है। तो हमने अगर देखना है कि कौन से पार्ट्स थे हमारे पास, तो यहाँ से हम इजीली दे सकते हैं कि वी हैव लाइक डिस्क ब्रेक। तो सिंपल सिंपल से पार्ट्स चाहिए। यूजुअली जो होता है कुछ पार्ट्स के आगे जो है वो डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये टैबलेट है बेसिकली, इसको यूज़ करते हुए आप शॉपिंग कर सकते हैं पार्ट्स की ठीक है। ऑफ कोर्स के आपके पास सारे पार्ट्स नहीं अवेलेबल होते, तो आप पल्ले से तो नहीं कोई डाल सकते ना। तो ये एक हमें भाई ये चाहिए, और ब्रेक पैड्स चाहिए हमें। वैसे 3 चाहिए थे, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम जो है वो एक एक्स्ट्रा बाय कर लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम असेंबली मोड में आएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा ब्रांड न्यू चला गया, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक पैड। अब ब्रेक कैलिपर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, बिकॉज़ हमें तो जो बोला गया है वही हमने करना है। बाकी बेशक अगर कोई चीज़ टोटली ख़राब है तो उसका हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो लिस्ट में बोला गया है वही करना है। क्योंकि अगर हम सारे ही ठीक करने बैठ गए तो भी हम लोग जो है वो कंगाल हो जाएंगे ठीक है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो है वो इसको बैलेंस आउट करके रखेंगे। यहाँ पे भी अगेन हम आएंगे जी वापस असेंबली मोड में। सबसे पहले हमने ब्रेक पैड रखा, इसके बाद हमने ये ब्रेक कैलिपर रखा, इसके दोनों नट जो है वो फिक्स किए, और इसके बाद बारी आती है टायर की। तो मैं क्योंकि मतलब कार मैकेनिक सिमुलेटर 80 मैंने काफ़ी ज़्यादा खेली थी, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन ऑब्वियसली गेम्स में जो है वो कुछ चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं, तो कभी कभी जो है वो मैं भी यहाँ पे अटक जाता हूँ भाई यहाँ पे क्या करना था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो कंट्रोल चेंज कर दी हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अभी टायर बैलेंसर मेरे ख्याल से इन्होंने चेंज कर दिया है टोटली। तो ये सारी चीज़ें आगे अभी आगे बहुत काम होगा। अभी तो हम लोग जो है वो स्टार्टिंग में है, बिल्कुल ये छोटे मोटे ऑर्डर पकड़ रहे हैं। इसमें जो है वो जंक यार्ड होता है, उसमें क्या होता है कि आप लोग जो है वो एक कबाड़ खाने में चले जाते हैं ठीक है। वहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी होती हैं, गाड़ियों के पार्ट्स पड़े होते हैं ठीक है। तो अगर कोई ढंग की गाड़ी आपको नज़र आती है वो आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं ठीक है। उसको अपने गैराज में ला के भाई उसको रिस्टोर करके सारा जो भी उसके पार्ट्स मिसिंग होते हैं वो डालते हैं, उसको बॉडी मेंटेनेंस करते हैं उसकी ठीक है, पेंट शेंट करके बिल्कुल ऐसे ब्रांड न्यू गाड़ी बना के जब आप चलाते हैं ना, तो भाई वो फील ही कुछ और है। तो ये इस तरह की चीज़ें। फिर ऑक्शंस होती हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑक्शंस मीन्स ऑक्शंस, यार मुझे इसका उर्दू में तर्जमा नहीं मिल रहा। ऑक्शन का नुमाइश होती है ठीक है गाड़ियों की, तो वहाँ पर भी जाके आप जो है वो गाड़ियाँ बाय कर लेते हैं ठीक है। तो फिर उनमें भी डेफिनेटली कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी आप फिक्स करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखो इस गाड़ी में, यहाँ पे ये डोर जो है ये थोड़ा सा डैमेज है इसका ठीक है। लेकिन एज ए मैंशन अर्लियर हमें जो है वो जो बोला गया है हमने तो वही काम करना है। तो सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर अपना फिनिश करते हैं। फ्रंट व्हील साइज आर मिसमैच्ड। अरे ये क्या सिस्टम है, अरे भाई ये क्या सिस्टम है, अरे भाई हमने तो इसको छोड़ा नहीं है। एक मिनट, लेट मी चेक फ्रंट व्हील टायर्स। भाई मैंने तो इसको नहीं छेड़ा, तो ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके वेल आई गेस कि हमें जो है फिर इनको दोबारा वापस उतारना पड़ेगा। चलो आई रियली हैव नो आइडिया व्हाट हैपन देयर ठीक है। और हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। चलो अभी हम इन्वेंटरी में जाके चेक करते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। तो 285, और वाकई
तो मेरे ख्याल से ये 285 है, ये शायद पीछे लगेगा, और 255 ये सारे टायर दोबारा उतारने पड़ेंगे। अबे यार यार, मतलब ये क्या सिस्टम है? ये तो गेम को खुद ही मतलब देखना चाहिए ना कि कौन सा वो टायर लगा रहा है। अभी मेरे को नहीं आइडिया था कि इन्होंने ये वाले सिस्टम भी चेंज कर दिया है। तो वही मैं बात जो पहले बोल रहा था कि थोड़ा सा ना यहाँ पे चीज़ें चेंज हैं इस बार, ठीक है? तो आपको मतलब अगर थोड़ा आपने पिछली गेम खेली भी है तो दैट डजन नेसेसरली मीन कि आप जो है वो परफेक्ट ही होंगे। सो यू माइट मेक सम मिस्टेक लाइक आई जस्ट मेड अभी, जैसा कि मैंने जो है वो अभी अभी आपके सामने जो है वो मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पे दो टायर्स के साइजेस जो है वो डिफरेंट है, और दो के डिफरेंट है, तो हम आई अज्यूम के पीछे वाले टायर्स जो हैं उनका साइज़ बड़ा होना चाहिए। सो अभी हम असेंबली मोड में चलते हैं और पीछे वाले जो टायर हैं उनको हम बड़े बड़े करके लगाते हैं, ठीक है? तो ये लगा देते हैं पीछे, एंड आई जस्ट होप कि इस बार ये ठीक से काम करें। और थैंक्स कि अभी मैं फ्यूचर में इस चीज़ का जो है वो अच्छे से ध्यान रखूंगा कि भाई टायर जो है वो उनकी साइजिंग भी डिफरेंट हो सकती है। ये मतलब मुझे पहली बार पता चल रहा है इस गेम में। तो पीछे दूसरा टायर भी हम जो है वो बड़ा वाला लगाएंगे ताकि दोबारा फिर से वो इशू ना आ जाए। एनीवेज वी आर बैक ऑन द ट्रैक। तो अभी हमने जो है वो दो फ्रंट वाले करने हैं असेंबल टायर। तो फ्रंट वाले अभी इजी हैं, ठीक है? दोनों का साइज सेम ही है, सो कोई भी लगा दें, किधर भी लगा दें तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? अभी हम चलते हैं टू दी अदर साइड, हियर वी गो। तो यहाँ पे भी हम जो है वो दूसरे वाला टायर लगा देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अभी इसके बाद देखते हैं दोबारा ना कोई रोला डाल दें, होपफुली। ओके, लेट्स ट्राई टू फिनिश ऑर्डर। हो गया भाई, चलो। अच्छा, ये न्यू पंगा जो है इन्होंने डाल दिया था, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी ऑब्वियसली प्रॉब्लम आई। मैं भी एकदम से मतलब, अबे व्हाट, ये क्या सिस्टम हो गया मेरा? मतलब कमाल है यार, मतलब टोटली एकदम से मुझे। अरे भाई भाई भाई, छोड़ो पुरानी बातें, ये नवा ऑर्डर चेक करो। ग्रिफिन, ये मिनी लग रही है गाड़ी ना। अच्छा जी, के है। अच्छा, ये दो ऑर्डर आए हैं बेसिकली। अच्छा, ये वाला टाइम लिमिटेड ऑर्डर है। लिस्ट प्रोवाइडेड, ठीक है। अदर टास्क, तो इसके अंदर टाइम चल रहा है, ये तो मतलब है ही है हमारे पास। तो ये जो है थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है, तो हम मेरे ख्याल से हमें यही वाला ले लेना चाहिए पहले। आई जस्ट होप कि इसकी प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वरना जो है वो काम हो जाएगा भैया बहुत ज़्यादा खराब। तो एनी वेज, लेट्स सी दी लिस्ट। अच्छा जी, इसमें क्या करना है हमें? हमें रीफिल ब्रेक फ्लूइड करना है, रीफिल कूलेंट फ्लूइड करना है, रीफिल पावर स्टीयरिंग फ्लूइड करना है, रीफिल, अबे भाई इसके तो सारे मतलब फ्लूइड वगैरह जो है ना ख़त्म हुए पड़े हैं, ठीक है? तो चलती भी है ये। एनीवेज, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ओके, चल रही है भाई, ठीक है? तो लेकिन लेट्स सी के इसको मतलब के और भी मतलब बहुत सी चीज़ें जो है वो इसको चाहिए। तो चलो अभी हम चलते हैं, इसको लिफ्ट के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है? मूव कार टू द लिफ्ट वन, लिफ्ट ए जो भी है। एनीवेज, तो अभी हमने इसके अंदर कोई मतलब लिफ्ट वाला काम नहीं है बेसिकली। तो सबसे पहले अभी हमने क्या करना है, ये विंडशील्ड वाला था क्या? अच्छा जी, विंड स्क्रीन, पावर स्टेयरिंग, कूलेंट फ्लूइड और ब्रेक फ्लूइड, मतलब सारे फ्लूइड जो है वो हमने इसके चेंज करने हैं, ठीक है? तो फ्लूइड चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जो रिमेनिंग फ्लूइड है, ठीक है, उसको ड्रेन कर लेते हैं, जो भी बचा है इसमें, ठीक है? क्योंकि पुराना फ्लूइड जो भी है वो काम ख़राब करेगा, ठीक है? तो इसी तरह से हम इसका भी जो भी बचा है फ्लूइड इसमें थोड़ा बहुत वही निकाल लेंगे, ठीक है? सिमिलरली हम इसमें भी इससे भी फ्लूइड जो है वो निकाल लेंगे। तो डिफरेंट कलर्स आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे। अरे नहीं 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 अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, ये काम नहीं करना था हमने। अच्छा, तीन फ्लूइड तो हो गया, ये चौथा फ्लूइड है ब्रेक का, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगेन हमने इसको भी पहले ड्रेन करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं पहले जब पिछली मतलब एक ऑर्डर आया था, तो मैंने क्या किया था कि पिछले वाला निकाला नहीं था,
बल्कि उल्टा मैंने जो है वो नया डाल दिया, तो वो उसको मान ही नहीं रहे थे कि ये तुम बंद भाई तुमने काम किया। मैंने सोचा भाई कमाल है, फिर मैंने वो जो नया फ्यूल डाला था उसको भी रिमूव किया, फिर दोबारा नया फ्यूल डाला, फिर जाके मतलब गेम मानी गया हम भाई इसमें फ्यूल अब चला गया। तो ये हम अभी जो है ये ब्रेक फ्लूड डाल रहे हैं, ठीक है, इसको ब्रेक सर्वो बोलते हैं बेसिकली। ये दो जो आइटम नज़र आ रही है आपको, अरे भर रहा है भाई आराम से आराम से, आए आराम से आराम से। ये बेसिकली है ना अभी स्पिल होने वाला है, ओवरफ्लो होने वाला है यहाँ पे। ओ तेरी, चलो ठीक है, ये हो गया जी बंद। और इसके अंदर भी अभी पावर स्टीयरिंग में भी डालते हैं, ठीक है, ये पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड है, तो ये आपको रेड रेड नज़र आ रहा होगा बाहर ऊपर को जाता हुआ, तो इसको भी हमें बिल्कुल ध्यान से जो है ना हाँ से ओके, मेरे ख्याल से भर चुका है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम विंड स्क्रीन का भी फ्लूइड डालेंगे इसमें। चलो ये तो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा टाइम लेके मतलब सही से ओंधी कर सकते हैं इसको। अरे बड़ी जल्दी भर गया यार ये तो। ओके आई गेस इट्स फुल फुल फुल, ओके ओवर स्पिल हो गया भाई यहाँ पे। तो ये कूलेंट का भी हम अभी ये कूलेंट वैसे ही गायब हो गया। अरे नहीं यार गलत कर दिया तूने। अरे भाई इसको मतलब इसको खोलना था ना हमने। ये चीज़ हमने जो है उसको निकालने की मतलब कि फ्यूल डालने के बजाय लिक्विड फ्लूइड डालने के बजाय हमने उसको वैसे निकाल दिया, तो ये काम नहीं करना था। तो कोई बात नहीं, मिस क्लिक हो गया मेरे से गलती से, तो ये भी इसमें भी जा रहा। अरे 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 भाई ओवरफ्लो हो गया। चलो जी, तो ये जो सारे फ्लूइड्स के थे काम वो अभी हमने कर लिए हैं, अदर टास्क कोई है नहीं, तो हम इसका ऑर्डर जो है वो फिनिश करते हैं, ठीक है। पैसा कमा रहे हैं हम, लेकिन बहुत ही थोड़ा पैसा मिल रहा है, इतने से जल्दी जल्दी कोई काम बनने नहीं वाला हमारा। तो यहाँ पे अगला ऑर्डर लेते हैं, तो तीन चार ऑर्डर जो भी हैं। ये मिनी जैसी लग रही है कार, लेकिन है नहीं शायद। अच्छा चलो पहले इसकी लिस्ट चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। ओ हो भाई 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 भाई, ये क्या मुसीबत है भाई। अरे भाई इसका ठीक ही क्या है। मतलब सारी चीज़ें तो इसकी ख़राब हुई पड़ी है जितनी लंबी लिस्ट है। बेल्ट टेंशनर, ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैड, कैम गियर, अबे यार इसका तो सारा इंजन ही खोलना पड़ेगा। आइडल रोलर, इग्निशन, ऑयल ऑयल फिल्टर, रबर बुशिंग, अरे भाई इसका तो सारा इंजन खोलना पड़ेगा। स्पार्क प्लग, चलो जी, पार्ट नॉट डिस्कवर्ड, लो जी। मुझे लगता है ये स्टार्ट भी नहीं होती। अदर टास्क, ब्रेक चेंज फ्लूइड, कूलेंट फ्लूइड, पावर स्टीयरिंग रीफिल विंड स्क्रीन। चलो इसमें मतलब कुछ भी नहीं है, ये मतलब बंदा कोई खटारा सी अभी अभी कूड़े से उठा के ले गया। मुझे 100% यकीन है कि ये स्टार्ट भी नहीं होती होगी। देर इज़ नो ऑयल इन द इंजन, देखा, डेफिनेटली। तो ये बिल्कुल भाई फारिग है गाड़ी, ठीक है। कबाड़ ये बिल्कुल। चलो हमारा काम भी यही है, कबाड़ गाड़ियों को जो है वो ठीक है ना, लेकिन ऑब्वियसली इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होने वाला है। अगेन हम यहाँ पे लिस्ट देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो है वो ये वाले पार्ट्स ऑब्वियसली चेंज करने पड़ेंगे। कैम गियर, कैम शाफ्ट, आइडल रोलर, ठीक है। ओहो, तो ये सारी चीज़ें। कैम गियर अभी कहाँ पे होता है ये भी मुझे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर गाड़ी में टूल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कैम गियर, कैम गियर, कैम गियर, नहीं ये तो ब्रेक सर्वो है ना, मे बी वो शायद, मे बी वो शायद नीचे से एक्सेस होगा। कैम गियर, कैम गियर, आइडल रोलर तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बेल्ट है, लेकिन एक और बेल्ट होगा इसी तरह का, उसको भी हमने जो है वो चेंज करना है। कैम गियर प्रोबेबली फिर इसके अंदर ही होगा इंजन के। मैं भी एक दफ़ा इसको लिफ्ट पे उठा के नीचे से देखते हैं, मैं भी इसके नीचे से हमें जो है वो नज़र आ जाए। इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं,
यहाँ पे देखते हैं जी, एटलीस्ट नीचे से तो कुछ चीज़ें हैं इसकी यहाँ पे लगी। ठीक है, कैम गियर अभी किधर है भाई? गियर बॉक्स। अच्छा अभी मैं ना टैबलेट से देखता हूँ और फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि कैम गियर होता किस तरह का है। ऑलराइट, अरे भाई इसमें दिखा दे कैम गियर। ऑब्वियसली ये इसका गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा हमें। ठीक है, और उसके अंदर ही यहाँ पे हमें ये कैम गियर देखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम ये वाला काम करें, इसको खोलें इसका इंजन, हम इसको मज़ीद जो है वो डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, और मज़ीद डायग्नोस करने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे ये वाला स्कैनर जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने जो काम करना था वो इग्निशन मतलब लिस्ट के अकॉर्डिंग करना था, लेकिन यहाँ पे इसको चेक करने का बेसिक मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो है वो मिसिंग भी थे। ठीक है, डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो हमने उनका भी ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से पार्ट, क्योंकि भाई हमने तकरीबन गाड़ी जो है वो स्टार्ट करके देनी है, तो मोस्ट लाइकली हमें जो है वो बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको अभी हम डायग्नोज कर रहे हैं गाड़ी को सारी को। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास जो है वो एक ओवरऑल कंडीशन निकल के आ जाएगी गाड़ी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एड अप होती जा रही हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू एंड दिस गेम प्ले हेयर, बिकॉज इस गाड़ी को हम अगले गेम प्ले में बड़े ही आराम के साथ जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो क्योंकि इस गाड़ी को फिक्स करने के लिए अभी हमें चाहिए काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो मैं नहीं चाहता कि आधी हम इसमें इस गेम प्ले में फिनिश करें और आधी अगले में करें, क्योंकि फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि इसको पूरी की पूरी को ही हम जो है वो अगले गेम प्ले में फिनिश करें। तो एज़ यूजुअल आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कार मैकेनिक सिमुलेटर की सीरीज़ के मतलब आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 5-6 गेम प्लेस तो इस गेम के लाजमी अपलोड करूँ। ठीक है, बिकॉज़ मेरी अपनी फेवरेट गेम है ये, और मेरा भी दिल करता है कि यार जो गेम मुझे पर्सनली पसंद हो वो चैनल पे भी शेयर किया करूँ। एनीवेज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय।